अल्लाह रहीम, अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्त, कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं महमूदिया ट्रैवल एंड टूर का यूट्यूब चैनल। मैं आपका मेज़बान मोहम्मद शाहिद इकबाल, अपने चैनल में वेलकम और खुश आमदीद। दोस्तों, इंग्लैंड से बड़ी न्यूज़ आ गई, लाजमी देखें, तहकीक हो गई। जी हाँ दोस्तों, इंग्लैंड में जो 5 अफराद कत्ल करने वाला बंदा है वो सामने आ गया है, मुकम्मल तफसीलात शेयर करने वाले हैं। रिसेंटली 5 लोगों को कत्ल किया गया था, उसकी भी हमने न्यूज़ आपके साथ शेयर की थी। इस न्यूज़ का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा, अगर आप खुद से रीड करना चाहें तो इस न्यूज़ को रीड भी कर सकते हैं। उससे पहले आप लोगों से छोटी सी गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो तमाम दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। दोस्तों, ये वाक्य पलाई माथो मैनचेस्टर में पेश आया था और बताया जा रहा है कि पुलिस ने इस चीज़ का इंकशाफ किया है कि जैक डेविसन, जिसने एक नौजवान लड़की समेत 5 अफराद को कत्ल किया था, और ये एक लाइसेंस याफ्ता बंदा था, यानी इसके पास लाइसेंस था अपनी गन का। और 22 साल नौजवान ने 2 मर्दों और 3 साल बच्ची को जुमरात की शाम शहर के आम इलाके में 6 मिनट की जो है उनकी में फायरिंग करके 6 मिनट में उन्हें हलाक कर दिया था। पुलिस ने बताया कि ये वाक़ 2010 के बाद बरतानिया में बदतरीन बड़े पैमाने पर फायरिंग दहशतगर्दी से मुतलक नहीं था। ऑनलाइन वीडियो में डेविसन ने शिकस्त से 2-4 और ज़िंदगी से शिकस्त की बात की। कहा कि कुछ देर बाद बैराग ड्राइवर पर बुलाया गया और डेविसन BST एमरजेंसी सर्विस को जुमरात को 7 बजे समेत 5 अफराद मौके पर एक बाद में जो है अस्पताल में दम। जब उनको दोस्तों अस्पताल में ले के गए तो वो एकदम ही मतलब 2 घंटे में दम तोड़ गए। बारह रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि ये शख्स जो है इसकी 51 साल उम्र है और ये काफ़ी शातिर था, बड़ा तेज़ तराज था, लेकिन अभी इसको जो है पकड़ लिया गया है। और बताया जा रहा है कि जो लड़की को गोलियां लगी हैं वो बहुत कम उम्र थी और उसको वो सड़क पर चलाती रही, ठीक है। इसके बाद इस लड़की के मर्द रिश्तेदार को भी गोली मार कर हलाक कर दिया गया था, जिसकी उम्र 43 साल थी। इसके बाद डेविसन ने एक खातून को जो 53 साल थी उसको भी मारा, 43 साल मर्द को मारा। मतलब ये 5 लोगों की इसने जान ली। बहरहाल खुदा ऐसे लोगों को हिदायत दे। तो ये बड़ा वाक़या आप बंद है, ये पुलिस की हिरासत में है और मज़ीद जो तफ्तीश है वो जारी है। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक इतना ही, अल्लाह हाफिज़।